हॉटस्टार पे रिलीज हुई है यक्षी नाम की एक वेब सीरीज। 100 एडल्ट है, रेटिंग 16 प्लस है, तो क्या बच्चों को देखनी चाहिए 16 बरस के ऊपर को, या 18 बरस के ऊपर के, या 20 वर्ष के ऊपर के बच्चों को, मतलब, या देखनी ही नहीं चाहिए और स्किप करनी चाहिए, इसकी बात करेंगे हम इस रिव्यू में। तमिल का सुपर नेचुरल ड्रामा 16 प्लस रेटिंग है, पर 18 प्लस जैसी भी फील आती है 16 प्लस भी देख सकते हैं। आगे बात करें तो यक्षिणी जो है वो हिंदी में भी डब है, 6 एपिसोड है और हर एपिसोड अंदाजन 34 मिनट्स का है, तो आप ये सीरीज 3 घंटे के अंदर निपटा पाएंगे। वैसे देखा जाए तो हिंदू दंत कथाओं को तोड़ मरोड़ कर अप्सराओं को स्वर्ग में से जमीन पे लाकर मर्दों को मारना है, ये 13 पर से ही हमको पता चल जाता है, और उसी पे बेस ये स्टोरी है, सुपर नेचुरल माइथोलॉजी की स्टोरी है। जैसे मगधीरा ले लीजिए, या ऐसी जो स्टोरीज होती है जिसमें हमारे थोड़े बहुत देवी देवताओं का जिक्र किया होता है, तो हिंदू देवी देवताओं का थोड़ा बहुत जिक्र है इस सुपर नेचुरल ड्रामा में। कुबेर हो गए, या ऊपर एक वर्ल्ड है अलकापुरी, ये हो गया, तो इसी पर बेस एक स्टोरी है। स्टोरी की अगर हम प्लॉट की बात करें तो उसमें हमारी मेन कैरेक्टर यक्षिणी, यानी कि वो माया बनी हुई है, और जो मेन कैरेक्टर है वो कृष्णा, जो एक साधारण पुरुष है, वर्जिन, और हमारे जो विलन है अजय, जो तमिल के एक बड़े विलन या बड़े एक्टर है, वो तीनों इस सीरीज में मुख्य भूमिका में है। सीरीज शुरू ही यहाँ से होती है कि 99 मर्दों को यक्षिणी यानी कि माया मार चुकी है, और अब 100 ऐसा पुरुष चाहिए जो वर्जिन है और उसको मारना है। अब ये क्यों है, जो भी कुबेर देवता उसने बोला है, मगर उसको क्यों ऐसी तलब है कि भाई इसको मारो, इन मर्दों को, तो ही मैं आपको अलकापुरी यानी कि स्वर्ग में लेके आऊँगा। भाई ये कुछ नहीं किया हुआ है कि भाई क्यों, मतलब क्यों मारना है मर्दों को पृथ्वी पर के, तो बस ऐसी ही ये दंत कथा पर आधारित सुपर नेचुरल स्टोरी है। अब हम बात करेंगे एक्टिंग की, तो तमिल में है सबने एक्टिंग ठीक की है, मगर डायरेक्टर ने डायरेक्शन ठीक से करवाई नहीं है ऐसा प्रतीत होता है। सस्ती नागिन सीरियल जो एकता कपूर मैडम की है ऐसी ये भी लगती है, थोड़े बहुत सीन स्ट्रेच किए हैं, बहुत ही स्ट्रेच किए हैं, जिसमें हमारा मजा चला जाता है। प्रॉपरली एडल्ट भी नहीं है और प्रॉपरली अनएडल्ट यानी कि छोटे बच्चों के देखने लायक भी नहीं छोड़ी है। अगर ये सीरीज में कॉन्सेप्ट ये नहीं होता और दूसरा कुछ कॉन्सेप्ट डायरेक्टर साहब लाते तो छोटे बच्चे को आकर्षित कर सकती थी ये सीरीज, यानी कि 8 साल 10 साल 15 साल के, मगर 16 प्लस बना के उसको भी ये नहीं कर पाती है, या बड़ों को भी नहीं आकर्षित कर पाती है, ऐसी ये सीरीज है। मुझे क्या लगता है पता है, डायरेक्टर साहब और राइटर साहब दोनों गांजा फूंक रहे थे, गांजा फूंकते फूंकते याद आया कि हमारी नानी ने कहानी सुनाई थी, उस नानी की कहानी को अब हमारे दोस्त ने कुछ अलग तरीके से सुनाया था, और हमारे नानी और दोस्त और नाना और सब ने जो कहानी सुनाई थी उसको एक एडल्ट वर्जन बना के हम कुछ परोसे तो मज़ा आएगा, इसी चक्कर में पूरा ये सीजन बना दिया है। प्रोड्यूसर को भी गांजा पिला के बोल दिया है अच्छी बनेगी, चलो। अगर हम बात करें तो बात करने में ये यक्षिणी, मतलब टेलर देखे या वो कुछ जो देखे, तो उसमें हमको इंटरेस्ट मिलता है कि नहीं, कि कोई एक अप्सरा है वो चुड़ैल बन गई है और वो मर्दों का शिकार करती है, मर्दों को आकर्षित करती है और शिकार करती है, तो ये सुन के हमें ऐसा लगेगा कि एडल्ट प्लस सीरीज है और मज़ा आएगा, माइथोलॉजिकल जो भी श्रृंगार करके लड़की आएगी और सीड्यूस करेगी, मगर सीजन देखने पर ऐसा लगता है कि ऐसा कुछ है ही नहीं। और जो एक्टिंग करी है देविका मैडम ने, जो माया है, यक्षिणी है, मेन भूमिका में है, उसने भी कुछ उखाड़ नहीं लिया है, ये हम बोल सकते हैं। तो टोटली टाइम वर्दी तो नहीं है, मगर आपके पास टाइम है और आपको ऐसा लगता है कि चलो देख ही लिया जाए कुछ नया, कुछ भी, तो ये सीजन देख सकते हैं। बाकी तो जो ये दंत कथा है हिंदू माइथोलॉजी के ऊपर, वो मुझे नहीं अच्छी लगती है, क्योंकि सर पैर बिना का कुछ भी दिखाना, दिस इज नॉट द वे, ठीक है। तो यक्षिणी आप देखिए और मुझे भी बताइए आपको कैसा लगा, अगर आपने देखी है तो। बाकी टाइम मत वेस्ट कीजिए, कोटा फैक्ट्री देख लीजिए।